इंडिया बनाम श्रीलंका के ये पहले टेस्ट के दूसरे दिन का हो गया है समाप्ति और इंडिया है एक डोमिनेशन और ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में नंबर वन या दूसरी स्थान में ख़त्म करना है और उसके लिए लड़ाई में पहले दोनों दिन को अपने नाम कर श्रीलंका 466 रन पीछे है भारत से और भारत ने 574/8 में किया डिक्लेयर और आज का ये दिन था रविंद्र जडेजा का 175 नॉट आउट बनाए विराट का ये 100 टेस्ट मुकाबला जिसमें वो बना पाए 45 रन मयंक अग्रवाल 33 रोहित शर्मा कप्तान पहली बार उतरे बतौर कप्तान 29 रन बना पाए हनुमा विहारी 58 रन बनाया ऋषभ पंत ने इंटरटेन किया और बनाए 96 रन श्रेयस अय्यर 27 रन निकला उनके बल्ले से अश्विन ने 61 रन बनाकर दिया रविंद्र जडेजा का साथ जयंत यादव जल्दी 2 रन बनाकर ही हो गए आउट और शामी रहनाबाद 20 रन बनाकर और बॉलिंग में स्पिनर का रहा बोल बालम भारत की तरफ से तो जसप्रीत बुमराह ने दिखाई अपनी क्लास जब आई भारतीय टीम की गेंदबाजी करने का जब मिला मौका तब कप्तान करुणा रत्ने 28 रन बनाकर चलता हुए दोनों ही ओपनर को भेजा पवेलियन करनी पड़ी मेहनत मुशक्कत हमारे स्पिनर्स को लेकिन मिला अंत में सफलता मैथ्यूज़ भी 22 रन बनाकर हुए चलता अब डिसिल्वा भी हो गया आउट 4 विकेट गिर चुकी है श्रीलंका के 108 रन में और 466 रन पीछे है श्रीलंका दूसरे दिन के अंत तक मोहम्मद शामी 7 ओवर में 17 रन दिए जसप्रीत बुमराह ने 9 ओवर में 20 रन 1 विकेट लिया रविचंद्रन अश्विन ने 13 ओवर में 12 रन मतलब 21 रन देकर 2 विकेट चटकाई जयंत यादव ने 5 ओवर में 14 रन देकर एक भी विकेट हाथ न लगी और रविंद्र जडेजा ने 9 ओवर डाल के 30 रन देकर 1 विकेट चटकाई और रविंद्र जडेजा का अब तक का ये टेस्ट मुकाबला है और दूसरे दिन में उनका रहा बोलबाला है ये रविंद्र जडेजा ने किया कमाल अपने करियर बेस्ट स्कोर तक भी आज ही पहुँचे 175 नॉट आउट श्रीलंका के सामने आज के दिन पहुँचे और विराट का ये 100 टेस्ट मैच उसमें उनको दिया गया जब फील्ड में उतर रहे थे ऑनर और शेन वॉन की खबर तो सुन ली होगी आज के मुकाबले चालू होने के पहले उनके लिए रखा गया था 1 मिनट का मौन व्रत दोनों ही टीम ने रखा। अब मेन सवाल ये है कि कितने देर और श्रीलंका बल्लेबाजी कर पाएगी और कितने सेशन बल्लेबाजी कर पाएगी कहां तक पहुंच पाएगी क्या फॉलो ऑन बचा पाएगी श्रीलंका और अगर फॉलो ऑन देने का मिलता है भारत को मौका क्या देगी भारत फॉलो ऑन श्रीलंका को क्या भारत एक और बार बल्लेबाजी करना चाहेगा बहुत सारा है सवाल अब देखना पड़ेगा क्या करती है भारतीय टीम नई कप्तान की क्या है नई सोच या पहले रहवे ये में ही चलेंगे क्योंकि जैसे विराट ने छोड़ा कप्तानी उसके बाद भारतीय टीम की नंबर वन स्थान भी डगमगाई है अभी श्रीलंका तो नंबर वन पोजीशन में है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के दौर में लेकिन भारत है नंबर 5th पोजीशन में अब अगर वापस से पहुंचना है तो क्या हो गया है सब ने देखा है अब कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे ये देखने पड़ेगा ये बात तो हाँ अब आपके हिसाब से क्या भारत को दे देना चाहिए श्रीलंका को फॉलो ऑन अगर मिलता है मौका आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से लिख कर बताइए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें आप देख रहे थे क्रिकेट विद आर्यमन मैं हूँ आर्यमन गोयनका।